मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव में हम लोग बेसिकली दो बात करते हैं, एक फिक्स एंड या क्लोज एंड से रिफ्लेक्शन, वैसे दूसरी बात करते हैं ओपन एंड या फ्री एंड से रिफ्लेक्शन। तो देखिए, फिक्स्ड या क्लोज एंड, इस तरीके से एक सिलेंडर पाइप ले लो, ये सिलेंडर पाइप है, इस एंड को अंदर से खोखला होता, एक सिलेंडर लो, हॉलो सिलेंडर लो, एक साइड ओपन हो और एक साइड क्लोज कर दो, तो क्लोज कर दोगे तो उसी को बोलते हैं क्लोज एंड या फिक्स एंड। अगर दोनों साइड में ओपन है, इधर ही ओपन है, इधर ही ओपन है, तो ये क्या है, ओपन एंड है, तो जो ओपन है ओपन एंड है, जो क्लोज है वो क्लोज एंड है, तो यहाँ पे क्लोज एंड है, ये ओपन एंड है, ये भी ओपन एंड है, ये भी ओपन एंड, ये क्लोज एंड, ये ओपन एंड। अब सपोज करिए आप यहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस करते हो, यहाँ पे आवाज़ प्रोड्यूस करते हो, तो इस तरीके से एक वेव जाती है ऐसे, इसमें वेव एक जाती है इसे टकराती है, टकरा के वेव सपोज कर वापस लौटते हैं, तो ये जो टक्कर है ये किस एंड से हो रहा है, फिक्स एंड से हो रहा है। हम पाते हैं कि अगर ये कंप्रेशन जाके इसे टकरा रहा है तो टक्कर बाद कंप्रेशन ही वापस लौटेगा, अगर कंप्रेशन टकरा रहा है तो टक्कर बाद कंप्रेशन वापस लौटेगा, रेफ्रैक्शन टकरा रहा है तो रेफ्रैक्शन वापस लौटेगा, ठीक है। इसी वॉल के केस में अगर मान लीजिए साउंड इधर जा रही है, तो अगर ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, तो जब टक्कर मारेगा तो कंप्रेशन ही वापस लौटेगा, अगर रेफ्रैक्शन टकराएगा तो रेफ्रैक्शन वापस लौटेगा। इसका मतलब ये हो गया कि साउंड वेव में चूँकि कंप्रेशन गया है, कंप्रेशन लौटा है, तो इस टक्कर में कोई फेज चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे भी देखो, अगर कंप्रेशन जाके टकरा रहा है, कंप्रेशन लौट रहा है, तो कोई फेज चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी एंड से कंप्रेशन टकराया, कंप्रेशन लौटा, कोई फेज चेंज नहीं है, रेफ्रैक्शन टकराया, रेफ्रैक्शन लौटा, कोई फेज चेंज नहीं है। फेज कब चेंज होता, जब कंप्रेशन टकराता और रेफ्रैक्शन लौटता। तो चलिए, तो एक स्टेटमेंट आप नोट करिए, व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक विथ फिक्स बाउंड्री या वॉल, देन देयर इज नो फेज चेंज अराइज। दिस मीन्स इफ कंप्रेशन स्ट्राइक, कंप्रेशन रिफ्लेक्टेड, इफ रेफ्रैक्शन स्ट्राइक, रेफ्रैक्शन रिफ्लेक्टेड। ओके, अब बात करेंगे फ्री या ओपन एंड। तो ये ओपन एंड है, इस पे अगर मान लीजिए ऐसे कंप्रेशन जाके टकराता है, तो हम पाते हैं कि अगर ये कंप्रेशन टकरा रहा है, कंप्रेशन, तो इस साइड से रेफ्रैक्शन लौट रहा है, और इसका प्रूफ कभी क्लास में पूछिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। फ्री एंड से की तरफ जब कंप्रेशन जाता है तो रेफ्रैक्शन लौटता है, और अगर रेफ्रैक्शन जा रहा है कंप्रेशन लौटता है। इसका मतलब यहाँ पे फेज चेंज कर गया, कंप्रेशन था रेफ्रैक्शन बन गया, मतलब पाई एंगल फेज चेंज है, रेफ्रैक्शन गया कंप्रेशन लौटा, पाई एंगल फेज चेंज। तो लिखेंगे, व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक विद ओपन बाउंड्री या फ्री बाउंड्री, पाई एंगल एक्स्ट्रा फेज चेंज अराइज इन दिस स्ट्राइक। दिस मीन्स इफ कंप्रेशन स्ट्राइक विद फ्री बाउंड्री, रेफ्रैक्शन रिफ्लेक्टेड, एंड इफ रेफ्रैक्शन स्ट्राइक विद फ्री बाउंड्री, कंप्रेशन रिफ्लेक्टेड। ओके, तो आप इस चीज को नोट कर लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव इन साउंड वेव। ओके, स्टैंडिंग वेव इन साउंड वेव, तो जिस तरीके से मैंने स्टिंग में पढ़ाया था एग्जैक्टली सेम इसमें भी होता है, बस रहते यहाँ पे प्रेशर के टर्म में लिखा जाता है और वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखा जा रहा था। वहाँ पे मैंने डिफाइन किया था व्हेन टू वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन देयर सुपरपोजिशन प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव। तो यहाँ भी सेम डिफिनेशन है, व्हेन टू वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन देयर सुपरपोजिशन प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव। अच्छा, मैं सेम एम्पलीट्यूड यूज़ कर रहा हूँ, सेम एम्पलीट्यूड जब यूज़ करूँगा ना, तभी जाके हमें क्या मिलेगा, नोड मिलेगा, एग्जैक्ट नोड मिलेगा। अगर हम सेम एम्पलीट्यूड नहीं यूज़ करेंगे तो एग्जैक्ट नोड हमें नहीं मिल पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि व्हेन टू वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन देयर सुपरपोजिशन प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव। तो चलिए, चूँकि सारे के सारे पैटर्न एनालिसिस
फॉर्मूले सब किसे मिलते हैं? स्ट्रिंग वेव से मिलते हैं, कुछ भी अलग नहीं होता है, इक्वेशन का बस फर्क होता है। आप समझ भी जाएंगे जब मैं इक्वेशन लिखूंगा। तो जैसे कि मान लो इस डायरेक्शन में एक साउंड वेव जा रहा है और एक अपोजिट जा रहा है, इसका इक्वेशन जो प्रेशर क्या है, पी डैश है, तो पी डैश की जो वैल्यू है प्रेशर का वेरिएशन हर पॉइंट पे, वो इसको गवर्न कर रहा है, पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को गवर्न कर रहा है। और जो ये वाला वेव है उसका प्रेशर का वेरिएशन हर पॉइंट पे पी डबल डैश से आ रहा है। दिस वन इज पी डबल डैश, पी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है। हालांकि मैं 5152 यूज़ करता तो मोस्ट जनरल बन जाता, तो इसकी मैं कह ही रहा हूँ कि एक एक चीज स्ट्रिंग वेव का और ये सेम है तो आप सेम यूज़ करेंगे। तो देखिए तो रिजल्टेंट प्रेशर इक्वेशन क्या बनेगा, दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ से पी नॉट कॉमन आ जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या बनेगा 2 sin C + D/2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू बन गया। तो यहाँ से पी के इक्वेशन क्या आ गया, दिस इज 2P0 कॉस के एक्स इंटू साइन ओमेगा टी लिखे। अब देखिए ये जो 2P0 है ना, याद करिए वहाँ पे 2A आया था, ये 2P0 है, इसी 2P0 को बेसिकली अलग से एज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है, जनरल फॉर्म में फॉर्मेट में कि इक्वेशन इस तरीके से, मतलब इसको ना आप P1 जैसा मान लीजिए, इसको P1 जैसा मान लीजिए, तो ये क्या बनेगा P1, ये बनेगा 2P1। अब इस 2P1 को आप P0 मान लीजिए, P0 मान लीजिए, तो इससे क्या हो गया 2P1 = P0। तो मैं आपको बता रहा था कि इक्वेशन P = P0 cos kx sin ωt, ये स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है, और ऐसा ही इक्वेशन हमने स्ट्रिंग वेव में लिखा था, y = A cos kx sin ωt, और एक कांस्टेंट इसमें जोड़ दिया था, आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं इस तरीके से। देखिए ये जो टर्म है P0 cos kx, ये प्रेशर का क्या है, स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड कहलाता है, और इसमें भी अगर मैं कहूँ कि नोड पॉइंट कौन से होंगे, प्रेशर नोड वो होते हैं जहाँ पे प्रेशर का वेरिएशन ना हो। ये पी क्या है, पी जो है, पी इज द प्रेशर एट टाइम टी एट पोजीशन एक्स, तो एक्स पे पड़ा हुआ जो पॉइंट है वहाँ पे जो प्रेशर है वो टाइम के साथ कैसे बदल रहा है, वो पी है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे पॉइंट से कोऑर्डिनेट जहाँ प्रेशर का वेरिएशन ना हो, तो वो उसके लिए ये कॉस के एक्स क्या होना चाहिए, जीरो। अगर ये जीरो हो जाए तो साइन ओमेगा टी कुछ भी हो ये हमेशा जीरो रहेगा। इसका मतलब कि प्रेशर नोड, और ऐसे पॉइंट को बोलता है प्रेशर नोड, तो लिखिए प्रेशर नोड, हेडिंग है प्रेशर नोड, प्रेशर नोड, जैसे नोड वैसे प्रेशर नोड। तो प्रेशर नोड्स आर दोज पॉइंट एट विच प्रेशर विल नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लिख लिया। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख लिया प्रेशर नोड के विषय में, वो पॉइंट है जहाँ प्रेशर टाइम से चेंज नहीं होगा। अच्छा, प्रेशर नोड के लिए पी जीरो करेंगे, अगर ये जीरो करेंगे फॉर ऑल टाइम तो ये जीरो होना चाहिए, यानी कॉस के एक्स जीरो होना चाहिए। याद करिए ऐसे ही वहाँ भी आपने लिखा था, तो यहाँ से जो k की वैल्यू होती है 2π/λ (x), जीरो का मतलब ये π/2 होगा, 3π/2 होगा, ऐसे ही 5π/2 होगा, इस तरीके से आप x निकाल लेंगे। और यहाँ भी पाएंगे कि दो प्रेशर नोड के बीच में कंजुगेटिव दूरी λ/2 होता है। यहाँ से x1 निकालिए इसके हेल्प से, x2 निकालिए इसके हेल्प से, दोनों घटा के देखिए अभी आएगा λ/2। तो लिखिए सेकेंड पॉइंट इसके अंदर, प्रेशर नोड के अंदर सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव नोड्स इज λ/2, ठीक है। तो आपने दो पॉइंट फिलहाल लिखा, फर्स्ट कि प्रेशर नोड वो पॉइंट है जहाँ प्रेशर टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, इसका मतलब वहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ही बराबर आएगा। दूसरा पॉइंट आपने ये नोट किया कि दो प्रेशर नोड के बीच की दूरी होती है वो λ/2 होती है। अब हम लोग बात करेंगे प्रेशर एंटी नोड्स, ठीक है। तो प्रेशर एंटी नोड्स कन्फर्म है कि प्रेशर एंटी नोड्स वो पॉइंट्स होंगे, एंटी नोड्स जहाँ प्रेशर का वेरिएशन सबसे ज़्यादा होगा, मतलब इस पी का वेरिएशन सबसे ज़्यादा होगा। तो वेरिएशन सबसे ज़्यादा होगा
तो कॉस केस क्या आएगा उसके लिए वन आएगा, अगर ये वन हो गया तो ये क्या होगा, ये जीरो होगा, ये टू पाई होगा। अच्छा वेरिएशन सबसे ज़्यादा तो कॉस के एक्स क्या हो सकता है, प्लस माइनस वन लिखेंगे, प्लस माइनस वन, तो ये जीरो होगा, पाई होगा, टू पाई होगा, थ्री पाई, ऐसा ही लिखे थे हम लोग स्ट्रिंग वेव में। अब यहाँ से आप x1 x2 x3 निकाल लीजिए, दोनों को घटा दीजिए, अगेन लैम्डा बाई टू आएगा। तो सपोज करिए किसी पॉइंट पे कॉस के एक्स की वैल्यू वन है, सपोज करिए। अच्छा इसके पहले इस पॉइंट को नोट करो, एंटी नोट के अंदर दोस पॉइंट्स इन स्पेस एट विच प्रेशर वेरिएशन इज मैक्सिमम, प्रेशर वेरिएशन इज मैक्सिमम आर नोन एज प्रेशर एंटी नोड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव एंटी नोड्स इज लैम्डा बाई टू। थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन वन नोड एंड वन एंटी नोड इज लैम्डा बाई फोर। ठीक है, अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके फोर्थ पॉइंट पे जो आपको ध्यान रखना होगा, ये कि अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पे कॉस के एक्स की वैल्यू वन है तो ये जो पी की वैल्यू होगी मैक्सिमम कब होगी, जब साइन ओमेगा टी प्लस वन होगा तो प्लस पी नॉट आ जाएगा, और इसी साइन ओमेगा टी की वैल्यू जब माइनस वन होगी, क्योंकि ये तो वन है और साइन ओमेगा टी माइनस वन और वन के बीच में होता है, तो इस पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पी नॉट हो जाएगी। इसका मतलब है कि प्रेशर एंटी नोड वो पॉइंट है जहाँ पे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी एटीएम है तो कुछ समय बाद वहाँ का प्रेशर बढ़ के पी एटीएम प्लस पी नॉट हो जाएगा, और कुछ समय बाद वही प्रेशर घट के पी एटीएम माइनस पी नॉट हो जाएगा, इस बीच में प्रेशर चेंज कर रहेगा, इसका मतलब मैक्सिमम वेरिएशन मिलेगा। तो वेरिएशन का इंटरवल क्या होगा, टू पी नॉट। इसका मतलब कि प्रेशर एंटी नोड पे जो मैक्सिमम प्रेशर आता है इसकी वैल्यू होनी चाहिए पी एटीएम प्लस पी नॉट, और जो मिनिमम प्रेशर आता है वो होता है पी एटीएम माइनस पी नॉट, ये मिनिमम प्रेशर होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम प्रेशर के लिए इतना, मिनिमम प्रेशर के लिए इतनी होती है। तो कोई पूछे कि मैक्सिमम प्रेशर मिनिमम प्रेशर डिफरेंस वैल्यूज टू पी नॉट, तो यहाँ पर मैंने बताया प्रेशर एंटी नोड के विषय में, अब प्रेशर नोड पे बताया आपको। ठीक है, बाकी एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो नोड और नोड के बीच में नहीं होगा, नोड और एंटी नोड के बीच में नहीं होगा, ये चीज़ें होल्ड करती रहेंगी। ठीक है, इसमें एनर्जी कंजर्व होगी। ओके, तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। ठीक है, थ्योरी के पार्ट पहले हम लोग पढ़ लेंगे, क्वेश्चन उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है फ्री एंड ऑब्लिक ओपन आर्गन पाइप। तो वाइब्रेशन ऑफ फ्री एंड या ओपन आर्गन पाइप, तो आर्गन पाइप क्या होता है, आर्गन पाइप हॉलो सिलेंडर्स होते हैं, दोनों साइड में ओपन हो सकता है या एक साइड ओपन हो एक साइड क्लोज हो। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ओपन आर्गन पाइप। तो डिफॉल्ट केस में ओपन आर्गन पाइप को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये भी ओपन होता है तो ये ऐसे दिखा देंगे, लेकिन रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ऐसे दिखा दीजिए, ये है ओपन आर्गन पाइप, यहाँ भी ओपन है यहाँ भी ओपन है। अब इसमें हम लोग यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क यूज़ करेंगे, ट्यूनिंग फोर्क यूज़ करेंगे। तो होता है क्या है, जब ट्यूनिंग फोर्क आप यूज़ करते हो तो यहाँ पे जो प्रेशर और रेयरफैक्शन डेवलप होता है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, वो आगे की ओर ऐसे बढ़ता है, जब ऐसे बढ़ेगा तो ये फ्री एंड है, इससे टकरा के वापस लौटेगा। तो इसमें दो वेव हो गए, एक वेव इधर जाने वाला एक वेव इधर आने वाला, तो दोनों वेव जब आपस में मिलेंगे तो क्या डेवलप होगा, स्टैंडिंग वेव ऐसे है। अच्छा कोई कहे कि सर यहाँ से वेव गई यहाँ से लौट आई, ठीक है, हम इसकी वाइब्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑर्गन पाइप की वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। तो जो भी एनर्जी इधर जाएगी उसका कुछ पार्ट तो इसमें जाएगा, फिर वो जब लौटेगा उधर से तो आपस में क्या होगा, सुपर इम्पोज होगा। तो ऑर्गन पाइप के अंदर दो वेव ट्रैवल करेगी, एक आगे जाने वाला एक लौटने वाला, आज दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होगी। तो जब दोनों आपस सुपर इम्पोज करेंगी तो क्या बनेगा, स्टैंडिंग वेव बनेगा। तो स्टैंडिंग वेव बनेगा तो उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी होगी, और ये चीज़ें स्ट्रिंग वेव से मैच करती नजर आएगी। तो देखिए अगर मैं मिनिमम की बात करूँ, मिनिमम की बात करूँ, अगर इसका लेंथ मान लीजिए एल के बराबर है, एल के बराबर है, तो मिनिमम केस में, अच्छा एक और चीज़ आपको याद करना है, ओपन एंड पे हमेशा क्या बनता है, एंटी नोड, और फिक्स एंड पे क्या बनता है, हमेशा नोड बनता है। ये ध्यान रखेंगे इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड कहाँ बनेगा, फ्री एंड पे, और डिस्प्लेसमेंट का नोड कहाँ बनेगा, फिक्स एंड पे, लेकिन प्रेशर में उल्टा चलता है,
क्यों उल्टा चलता है? क्योंकि प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट में पाई बाई टू का फेज चेंज होता है। तो जहाँ पे एंटी नोड बनेगा, जब उसमें पाई बाई टू लगाएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा नोड में, और नोड में पाई बाई टू तो एंटी नोड्स। तो अब एक चीज आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेयर डिस्प्लेसमेंट नोड इज फॉर्म एट दिस प्लेस प्रेशर, रिपीट कर रहा हूँ, वेयर डिस्प्लेसमेंट नोड इज फॉर्म एट दिस प्लेस प्रेशर एंटी नोड इज फॉर्म एंड वाइस वर्सा। जहाँ प्रेशर का नोड वहाँ डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, जहाँ डिस्प्लेसमेंट का नोड वहाँ प्रेशर का एंटी नोड, उल्टा। तो चलिए मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेश बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि उसकी हैंडलिंग हमने सीखी हमें ऑलरेडी, तो हैंडलिंग ईजी होती है। तो ये ओपन एंड है, तो यहाँ क्या बनेगा, एंटी नोड्स, एंटी नोड्स। तो इसमें जो मिनिमम बनता है वो इस तरीके से बनता है, ऐसा भाई, ये एंटी नोड है, एंटी नोड है, और दो एंटी नोड के बीच में एक नोड तो हर हाल में होता है, तो नोड मैंने यहाँ दिखा दिया, ये मिनिमम के केस है। अच्छा, अगर ये किसका इक्वेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट का है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, लेकिन यही कोई कहे आपसे, एक बार जेई मेंस में आ चुका है, कि आप बताइए प्रेशर का ग्राफ क्या बनेगा, प्रेशर का, तो प्रेशर में आप क्या दिखाएंगे, रिवर्स दिखाएंगे। यहाँ पे एंटी नोड है तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, नोड दिखाएंगे। यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ क्या दिखाएंगे, यहाँ पे एंटी नोड तो यहाँ पे नोड दिखाएंगे, और यहाँ नोड है तो यहाँ क्या दिखाएंगे, मैक्सिमम दिखाएंगे। तो ये इस तरीके से बनेगा, ऐसा। तो अगर ऐसा ग्राफ होता डिस्प्लेसमेंट का, कोई आपसे पूछता कि प्रेशर का ग्राफ बनाइए, तो आप इस तरीके से बनाएंगे, करना कुछ नहीं होगा, जहाँ उसका नोड है वहाँ उसका एंटी नोड बना दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए, ये मिनिमम केस है। जो सेकेंड हायर केस होगा उसको मैं इस तरीके से दिखाऊंगा, भाई एक नोड आ गया ना इसमें, तो दो नोड होंगे, अगला हायर केस में दो नोड होंगे, और यहाँ क्या बनेगा, एंटी नोड्स। तो ये ऐसे इस तरीके से ऐसे दिखाया जाता है, दो नोड दिखा दिया आपने, ये हायर केस बन गया, इसमें एक नोड है, इसमें दो नोड दिखा दिया, और जो अगला हायर केस होगा उसमें तीन नोड हो जाएंगे। तो ऐसे ही जो जनरल केस होगा, जनरल केस, थर्ड केस मान लो जनरल है, तो पहले में एक नोड, दूसरे में दो नोड, तो जो एन जनरल केस होगा उसमें कितने होंगे। अच्छा, मैं इसको थर्ड केस के बाद बनाता हूँ। चलिए, अब ये चीज़ मैं, अच्छा प्रेशर ग्राफ कुछ पीछे सर इसे बताइए, प्रेशर ग्राफ तो बना ले रहा हूँ, प्रेशर ग्राफ फिर रेस कर दूंगा। देखिए यहाँ क्या है, एंटी नोड है, तो यहाँ पे नोड दिखाएंगे, यहाँ पे नोड दिखाएंगे, फिर अच्छा ये भी एंटी नोड है, तो यहाँ भी क्या होगा, नोड, और यहाँ भी क्या होगा, नोड, तो तीन नोड होंगे, एक दो तीन, तो एक दो तीन नोड है, तो ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे ये बन गया आपका ग्राफ। देखिए ये वाला क्या है, नोड है, तो यहाँ पे क्या दिखाया मैंने, एंटी नोड दिखाया, यहाँ पे एंटी नोड है तो हमने यहाँ पे नोड दिखाया, तो ये प्रेशर ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। अब कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा किसका यूज़ किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि उसकी हैंडलिंग हमें कहाँ से आती है, स्ट्रिंग में से। अब देखिए यही आर्गन पाइप ये भी है जिसका लेंथ एल के बराबर है, मान लीजिए साउंड की स्पीड हुई है, अच्छा इसके इसकी बी सूरी क्या होती है, लैम्डा बाई टू, क्या लिखेंगे, लैम्डा बाई टू बराबर एल, देन व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज टू एल, तो क्योंकि पूछे फ्रीक्वेंसी बताइए, एफ बराबर बी अपान लैम्डा, तो लैम्डा इज टू एल बन गया बी अपान टू एल। सिमिलरली इस केस की बात करते हैं, अच्छा इसके इसके बीच की दूरी लैम्डा बाई टू, और यहाँ से यहाँ भी फिर लैम्डा बाई टू, एंटी नोड एंटी नोड लैम्डा बाई टू, एंटी नोड एंटी नोड लैम्डा बाई टू, तो क्या बनेगी, ट्वाइस ऑफ लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू एल, तो यहाँ से एल बराबर क्या आ गया, लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, भी अपान लैम्डा, फ्रीक्वेंसी होती भी अपान लैम्डा, तो लैम्डा प्लेस करेंगे एल आ गया। अब ट्वाइस ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको थोड़ा सा याद हो रहा होगा कि भी अपान टू एल, टू बी अपान टू एल, अगला थ्री बी अपान टू एल, अगला फोर बी अपान टू एल, ये स्ट्रिंग वेव जैसा है। इसका मतलब जो जनरल केस होगा, अगर मैं यहाँ पे जनरल केस बनाऊँ, जनरल केस, जनरल केस बनाऊँ, तो इसमें कितने नोड होंगे, एन नोड्स होंगे, एन नोड्स होंगे, तो जनरल केस में जनरल केस में कितने नोड होंगे, एन नोड होंगे,
और अगर एन नोड होंगे तो ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे, एन पॉइंट्स होंगे, ऐसे एन पॉइंट्स आएंगे। तो ये क्या बनेगा, एन इंटू लैम्डा बाई टू बराबर एल, अगर ये लेंथ एल है तो यहाँ से लैम्डा क्या आएगा, टू एल अपन एन, तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, वी अपन लैम्डा, तो टू एल अपन एन, ये बन गया एन वी अपन टू एल। तो याद हो गया आपको सेम फॉर्मूला, तो याद रखेंगे साउंड वेव में ओपन ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला होता है एन बी अपान टू एल, एन बी अपान टू एल, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज़ याद रखें, कोई पूछे फंडामेंटल, तो एन बराबर वन यूज़ करेंगे फंडामेंटल के लिए, एकदम सेम है जैसे मैंने स्ट्रिंग वेव यूज़ की थी। ये कौन सा हार्मोनिक है, तो nth हार्मोनिक को बता रहा है भाई, कौन सा ओवरटोन है, तो एन माइनस वन nth ओवरटोन को बता रहा है। और जो वेलोसिटी होती है इसका फॉर्मूला होता है गैस के अंदर गामा आर टी अपन एम। तो इतनी चीज़ें फिलहाल आपको याद करनी है ओपन ऑर्गन पाइप या फ्री एंड ऑर्गन पाइप में। कोई पूछे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, तो एन बी अपन टू एल, स्पीड रूट गामा आर टी अपन एम। कोई पूछे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताइए, तो एन के पे वन प्लेस कर दीजिएगा, एल क्या है ऑर्गन पाइप का लेंथ है, ये कौन सा हार्मोनिक है एनथ हार्मोनिक है, और कौन सा ओवरटोन है, तो एन माइनस वन एथ ओवरटोन है, ठीक है। अब यही चीज मैं बताने जा रहा हूँ आपको, क्लोज ऑर्गन पाइप हम लोग सीखने जा रहे हैं, क्लोज ऑर्गन पाइप। तो इस साइड में क्लोज कर दिया, आपको बताया था क्लोज एंड पे क्या बनता है, नोड बनता है, और ओपन एंड पे क्या बनता है, एंटी नोड बनता है। तो मिनिमम केस बनाने जा रहा हूँ, तो मिनिमम केस में यहाँ नोड दिखाएंगे, यहाँ पे एंटी नोड दिखाएंगे, तो ये बनेगा ऐसे। अच्छा इसके इसके बीच की दूरी, एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी क्या होती है, लैम्डा बाई फोर होती है, इज इक्वल्स टू एल। इसको यहाँ लिख देते हैं लैम्डा बाई फोर बराबर एल, देन व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज फोर एल, देन व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, इट इज वी अपॉन फोर एल। अब आपको याद आने लगा फॉर्मूला वी अपॉन फोर एल। नेक्स्ट जो अगला हायर केस होगा सेम लेंथ के आर्गन पाइप में, फिर यहाँ पे एक नोड है, तो एक नोड और यहाँ बन जाएगा ऐसे, और ये ऐसे बनेगा इस तरीके से, ये अगला हायर केस है, ये नोड, ये नोड। अब देखिए ये दूरी क्या होगी, लैम्डा बाई फोर, ए बी होगी लैम्डा बाई फोर, ए बी होगी लैम्डा बाई फोर, नोड नोड एंटी नोड, एंटी नोड 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 एंटी नोड, लैम्डा बाई फोर लैम्डा बाई फोर लैम्डा बाई फोर, तो हो जाएगा थ्री लैम्डा बाई फोर इक्वस टू एल, देन लैम्डा इज फोर एल अपान थ्री, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, बी अपान लैम्डा फोर एल अपान थ्री थ्री पर। अब आने लगा आपको समझ में कि वी अपान फोर एल, ये थ्री वी अपान फोर एल, मतलब इसमें ऑड चल रहा है, वी अपान फोर एल और थ्री वी अपान फोर एल, अगला फाइव वी अपान फोर एल, सेवन वी अपान फोर एल, ये फ्रीक्वेंसी इसमें अचीव होगी। दूसरा, दो कंजुगेटिव की जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो फंडामेंटल का ट्वाइस होता है, ये वहाँ पढ़ाया था, यहाँ भी होल्ड कर रहा है, ऑड वाले में तो ये होल्ड करता रहेगा ना, जिसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक आएंगे उसमें कंजुगेटिव की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस फंडामेंटल का क्या होता है, ट्वाइस होता है, और जिसमें इवन ऑड दोनों मिल रहे हैं उसमें कंजुगेटिव का डिफरेंस फंडामेंटल के बराबर रहेगा। अब देखिए हम बात करेंगे जनरल केस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जनरल केस। जो जनरल केस है इसमें क्या होगा, जो फॉर्मूला होगा एफ का वो होता है एन माइनस हाफ बी अपान फोर एल, और यहाँ पे भी अगेन गामा आर टी अपान एम होगा। एन बराबर वन यूज करेंगे फंडामेंटल के लिए, ये एनथ हार्मोनिक होगा, एन माइनस वन एथ ओवरटोन होगा। बस इस फॉर्मूले को याद रखेंगे क्लोज आर्गन पाइप पे, ठीक है, और इसके साथ ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो हमने आपको दो पार्ट बता दिया, एक ओपन आर्गन पाइप का वाइब्रेशन, क्लोज आर्गन पाइप का वाइब्रेशन, ठीक है। और इस पर बेस होकर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि एक आर्गन पाइप है जिसका लेंथ 10 मीटर है, क्लोज आर्गन पाइप है, इस आर्गन पाइप में जो एयर है उसमें साउंड की स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड, मैंने यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोर्क यूज़ की है, कह रहा फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क विच कैन बी वाइब्रेट विद दिस एयर कॉलम इनसाइड क्लोज आर्गन पाइप, ठीक है। तो कुछ नहीं, हमें बस यही पता करना है कि इस आर्गन पाइप की पॉसिबल फ्रीक्वेंसी क्या क्या हो सकती है, जो पॉसिबल फ्रीक्वेंसी आएगी
अगर वो फ्रीक्वेंसी में से कोई भी फ्रीक्वेंसी इस 24 की होती है तो फिर एयर कॉलम से वाइब्रेट करेगा, सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा या रेजोनेंस में आएगा जो फ्रीक्वेंसी इस 24 की और इस ऑर्गन पाइप की किसी भी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तभी होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये क्लोज ऑर्गन पाइप है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस हाफ बी अपन 12, ये फॉर्मूला होता है n माइनस हाफ बी अपन 12। अब देखिए इसको ए रहने दीजिए तो n माइनस हाफ, अब भी के पे क्या लिखेंगे 400 एन टू इंटू एल कितना दिया गया 10, यूज कर लीजिए तो इससे वैल्यू क्या आएगी 20, तो आएगी 20 एन माइनस हाफ, ये मिल गया फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑर्गन पाइप। अब यही फ्रीक्वेंसी अगर इसकी होती तो फिर ये इसके साथ वाइब्रेट करता। अब पॉसिबल वैल्यू निकालनी है तो एन इंटीजर 1, 2, 3, 4 यूज कर लीजिए। तो जो भी फ्रीक्वेंसीज आने वाली हैं वो कौन कौन सी होगी, एन के पे 1 रखेंगे 1 तो हाफ दे 10 आ जाएगा, 2 रखिए तो 2 × 4 में से 3 तो कितना आएगा 30, अगला कितना आएगा 50, अगला क्या आएगा 70, अगला क्या आएगा 90, अगला क्या आएगा 1, 1, 10 एटसेट्रा, मतलब सारे सारे ऑड दिखेंगे एन के वैल्यू चेंज करते जाएंगे। तो अगर इनमें से कोई फ्रीक्वेंसी इस 24 की होगी तो फिर ये 24 इस एयर कॉलम में सब क्या करेगा, रेजोनेंस में आ जाएगा, वाइब्रेट करेगा।